माँ चली अमरीका। नीति का नेचर बचपन से ही शर्मिला था। वो ना ज्यादा लोगों से बात करना पसंद करती और ना ही ज्यादा मिलना जुलना। निधि, ये पैसे ले जरा और बाजार से चीनी तो ले आ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, आप ही चले जाओ ना। अरे पता नहीं क्या करेगी ये लड़की, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं सिवाय पढ़ाई और घर के कामों के। इसकी शादी भी आस पास ही कहीं करवा दो, दूर जाकर इसका गुजारा कैसे होगा। निधि सुनती सबकी, समझती भी, लेकिन चुप करके रह जाती। एक दिन पिता के दोस्त अपने परिवार के साथ निधि के घर खाने पर आते हैं। उनकी बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। निधि बेटा, वीणा के साथ बात करो, देखो अंकल की बेटी भी आई है उनके साथ। निधि वीणा के साथ वहीं बैठ जाती है। चलो ना अंदर चलते हैं, यहाँ कहाँ बड़े लोगों के बीच बैठे। निधि माँ की तरफ देखती है और अंदर चली जाती है। वैसे मैंने ना अपना चैनल खोला है, तुम सब्सक्राइब करना उसमें। मैं ना ब्यूटी ऑफ फैशन की बात करती हूँ, ये देखो। इतने सारे लोगों के सामने तुम कैसे इतना बोल लेती हो, मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे शर्म कैसी। खैर, सीधी सादी सी निधि, उसकी शादी हो जाती है राकेश से। राकेश एक स्मार्ट लड़का था, उसे घूमना फिरना पसंद था, लेकिन निधि का शर्मिला व्यवहार वो समझ जाता है। अरे निधि, घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, लोगों से मिला जुला करो, तभी तो पता चलेगा ना कि दुनिया कैसी है। क्या करना है पता करके, शादी से पहले पापा और अब आप, ठीक है ना, मुझे ज्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ना। निधि की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, उसके दो लड़के होते हैं, दोनों को वो पढ़ाती लिखाती उनका ख्याल रखती। निधि 25 साल हो गए शादी को, दोनों बच्चे सेटल हैं, हम लोगों ने शहर में दो मकान भी ले लिए, दोनों की शादी खुद का पता ही नहीं चला कैसे उड़ गया। हाँ ये तो है, मैं खुश हूँ, जिम्मेदारियाँ आती रही मैं निभाती रही, और क्या चाहिए। देखो मैंने सोचा है कि अब हम लोग अमेरिका जाकर रहेंगे, यहाँ की जिंदगी तो जी ली, वैसे मुझे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं कैसे चलूंगी, मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता, अब तो जानते हैं ना कि मैं घर से बाहर ही कम निकलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, वहाँ भी घर में ही रहना है ना, मैं हूँ ना, नौकरी करूँगा। निधि मान जाती है और पति के साथ अमेरिका चली जाती है। माँ, तुम्हारी बहू को बच्चा होने वाला है, तो क्या तुम 2 महीने के लिए यहाँ आ सकती हो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं टिकट भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरा भी मन सबसे मिलने का कर रहा था, पर क्या माँ, पर अब मैं आऊंगी कैसे, पापा से बात करती हूँ। देखो माँ प्लीज बहाना मत बनाना, तुम जानती हो ना इस वक्त में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। निधि पति को सारी बात बताती है। क्या आप भी चलेंगे। निधि आने जाने में बड़ा खर्च हो जाएगा, ऊपर से मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी, बहू पर वक्त ऐसा है कि तुमको तो जाना ही पड़ेगा। मैं अकेले दुकान तक तो नहीं जा पाती, इतनी दूर भारत कैसे जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सबके कहने पर निधि को जाना ही पड़ता है। एयरपोर्ट में घबराई निधि एक मुसाफिर से कहती है, मैं ना भारत जा रही हूँ, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट। सब मिलकर निधि की मदद करते हैं और फाइनली निधि भारत पहुंच जाती है, जहां बेटा उन्हें घर ले आता है। वाह माँ जी, यहाँ तो मैं भोपाल तक नहीं जा पाती, आप अमेरिका से आ गई। भाई चलाकी तो औरतों में होनी ही चाहिए, यहाँ हम बुद्ध के बुद्ध रह गए। निधि इतनी दूर और लंबा सफर करके थक जाती है, वो चुपचाप बैठ जाती है। बैठना नहीं है माँ जी, बच्चा बच्चा पकड़ना है, ये लीजिए, और हाँ
घर का काम तो मैं करूंगी नहीं, जानती है ना शरीर कच्चा सा है, तो मुन्ने को सुलाकर कुछ बना लीजिएगा। निधि को बहू का व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जैसी भी थी, पिता और पति की हमेशा लाडली रही थी निधि। निधि बेटे की तरफ देखती है। माँ, वो काम वाली कोई मिल नहीं रही है ना, मैं देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे ही मिल जाएगी वो संभाल लेगी सारा काम। अरे कैसी बात कर रहे हो, जब पहले मैंने कहा था कि अमेरिका से इनके टिकट में जो पैसा खर्च कर रहे हो उतने में नौकरानी रख लो, तो नहीं मेरी बात पर विश्वास नहीं था कि नाना कोई मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं संभालेगा। अब इनका भी खर्चा और नौकरानी का भी खर्चा, अरे ना जी ना, मैं नहीं संभाल सकती। निधि जैसे तैसे 2 महीने रहकर वापस अमेरिका चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही जैसे राकेश उसे देखता है उसके गले लग जाता है। ये क्या हालत बना रखी है निधि, कैसी लग रही हो, खाना नहीं खाती थी क्या, क्या हो गया? निधि पति से कुछ नहीं कहती, बस रोती ही चली जाती है। मैं नहीं चाहूंगी कभी भी भारत, आप मुझे हमेशा यही रखना अपने पास। राकेश बेटी को फोन करता है। तुम्हारी माँ की जो दुर्दशा करके तुमने भेजा है ना, मुझे पता होता तो मैं अपनी बीवी को कभी तुम्हारे पास नहीं भेजता। पापा आप तो रीना का नेचर जानते हैं ना, वो माँ पर हावी रहती थी, अब मैं तो ऑफिस चला जाता था, वो माँ पर जुल्म करती है और माँ भी इतनी सीधी है कि चुपचाप सहती रही। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। खैर राकेश कहता भी क्या, प्यार दुलार के साथ अपनी निधि को संभालने में लग जाता है। लेकिन कहते ना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका में ही राकेश की मृत्यु हो जाती है और निधि अकेले रह जाती है। बड़ा बेटा कहता है, माँ भारत चलो ना, हम लोग साथ रहेंगे। निधि को जैसे ही वो सब सीन्स याद आते हैं वो परेशान हो जाती है, समझ में नहीं आता कि पति के बिना अब जीवन कैसे चलाएगी। मैंने सारा जीवन घर का काम किया, घर देखा और जिंदगी चलाई, लेकिन जिस घर में रही सबने प्यार दिया, मैं वहां नहीं जाना चाहती। तभी राकेश जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक निधि के घर आता है, वो भी भारतीय ही होता है। दीदी, राकेश ने आपके बारे में बताया था, जब से आप भारत से लौटी थी उसे आपकी बहुत चिंता रहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि कभी अगर वो ना रहे तो मैं आपको ये पैसे दे दूं, और हाँ हम लोगों की कंपनी में आपके लिए नौकरी भी है। निधि पति के पैसे देखकर मन में तसल्ली करती है और नौकरी के लिए हाँ कर देती है। अरे पागल है क्या माँ, कैसे नौकरी करोगी, ये अमेरिका है दिल्ली नहीं, वहाँ तो तुम घर से निकल भी नहीं पाती थी, यहाँ कैसे? मेरे पति मेरे पिता मुझे खुश देखना चाहते थे, वो लोग जब तक थे मुझे किसी चीज के लिए ना फोर्स किया ना कभी कमी होने दी, पर अब मुझे जीवन जीने के लिए घर से निकलना ही होगा। बेटा तुम तो अगली फ्लाइट से भारत लौट जाओ, मैं यहीं खुश हूँ।